talk, you know? Good morning, family members, and welcome back to my channel. अभी बजे सुबह के 8 बजे और ये हमारा 4th day है नागालैंड में. पर आज हम जाने वाले हैं वापस ईटानगर. अभी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे. बाहर का नज़ारा, इस संत ऑरेंज को बहुत मिस करेंगे. अभी जाते जाते थोड़ा लेके जाएंगे जर्नी में खाने के लिए. तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में. उस दिन हम काजीरंगा रोड से होके आए थे, पर अभी हम जाएंगे नुगाव के रास्ते से. तो चलिए मिलते हैं रास्ते पे. एक अमृत है, सिर्फ एक ही है, शायद मेरे लिए रखा गया था. गाइस हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट. अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में. अभी हम जहाँ थे वो है फ्रेंड का घर, और उनके सारे परिवार वहाँ मौजूद थे हमें सी ऑफ करने के लिए. काफ़ी अच्छा लगा. ये रहा फ्रेंड का घर. ऊपर का कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है. फ़ोन छूट गया था फ्रेंड के घर पे. लकीली हम ज़्यादा दूर नहीं आए थे, इसलिए हमने फ्रेंड को बुलाकर फ़ोन को मंगाया. तो अभी बने रहिए वीडियो में, आपको हम
पूरा इटानगर तक का जर्नी दिखाएंगे, तो साथ में बने रहिएगा। दोस्तों नीचे जो दिख रहा है वो है कोहिमा सिटी, जो कि बहुत ही साफ और खूबसूरत सिटी है। हालांकि यहाँ टाउन के अंदर रोड काफ़ी नैरो है, जिसके कारण आपको यहाँ पे बहुत सी जगह पे वन वे रोड देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हो सकता है आपको, अगर जब पहली बार आएंगे राइड करेंगे तो हो सकता है आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े। मुझे भी हुआ था उस दिन जब नागा हेरिटेज विलेज जाते वक्त। हम जिस जगह ठहरे थे उस जगह का नाम है चिदमा विलेज, और वहाँ से कोहिमा लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको मैं कोहिमा का एक झलक दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आया कोहिमा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।
कर लिया अभी टैंक की फुल, अभी नॉन स्टॉप राइडिंग करेंगे हम लंच टाइम तक, तो बने रहिए वीडियो में। गाइस अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले यहाँ पे ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, वो रहा ट्रक काई के नीचे चला गया है। इसमें दो सवारी थे, ड्राइवर और हैंडीमैन, दोनों ही काफ़ी सीरियस है, उनको मेडिकल पहुँचा दिया गया है। काफ़ी भीड़ जमा हो गया अभी। ट्रक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नीचे कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।
अभी पहुंच गए हैं काजीरंगा, अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। एक्चुअली हम नौगांव के रास्ते से होके जाने वाले थे, लेकिन रास्ता को थोड़ा कंफ्यूज था, तो इसलिए वही काजीरंगा के रास्ते से ही आ गए। अभी बजे है 2:30, खाना खाएंगे। अभी खाना वहाँ से फ्रेंड के घर से पैकिंग करके दिया था हम लोग को, उसको खाएंगे अभी। वाह क्या है देखा खाना, वाओ फोक है ना, फोक फ्राई है, उसके बाद राइस है और कुछ ऑरेंजेस। बहुत भूख लग गया, अभी खाना शुरू करेंगे। तो अभी हम करेंगे लंच। दोस्त अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद लंच के लिए, और साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी के लिए जो आपने हमको दिया जितने भी दिन हम वहाँ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे परिवार को। तो दोस्तों हमने कर लिया है लंच और रेस्ट भी कर लिया है, अभी हम तैयार कर रहे हैं ताकि अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकें। अभी लगभग 4 घंटा का रास्ता बाकी है अभी ईटानगर तक का, तो चलिए मिलते हैं। तो हम आ रहे हैं काजीरंगा रोड से, अगर सीधा जाएंगे तो निकलेंगे नौगांव गुवाहाटी और राइट साइड पे है तेजपुर, तो हम अभी राइट तरफ जाएंगे क्योंकि हमें जाना है ईटानगर। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है,
टाइम मिले तो यहाँ पे शाम के समय में ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है शाम को। ये कौन सा ब्रिज बोलता है इसको? है? क्या ब्रिज बोलता है? ब्रिज का नाम? गाइस ये तेजपुर ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज है, आप देख सकते हो। मैंने गूगल से पता किया, अभी इस ब्रिज का नाम है कोलिया बोमरा सेतु, जो कि एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाया हुआ है तेजपुर असम में। और ये ब्रिज जोड़ता है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट और नोगा डिस्ट्रिक्ट को। और इस ब्रिज का लंबाई है 3 किलोमीटर।
बाद हम पहुंचने वाले अरुणाचल। हम यहाँ भी होलोंगी में आप देख सकते हो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं अभी अरुणाचल में। ये है होलोंगी एयरपोर्ट रोड। गाइस हम इटानगर पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीदियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।